शोर है, पूर्व मंत्री 15 साल के राजन शुक्ला जी का, जो कि सोने के चम्मच लेके पैदा तो हुए, सिर्फ लूट तंत्र के कारण ये बने हुए हैं। एक आपने सुना होगा अरसे पहले बिहार में चारा घोटाला, मध्य प्रदेश में लगभग 200 करोड़ का ये महा चारा घोटाला है जो शिवराज सिंह के नेतृत्व में किया गया है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा सिंह आपके साथ एक बार फिर हूँ एक बड़े महा घोटाले को लेकर। मध्य प्रदेश के मनरेगा योजना में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। जेसीबी और डंपर का काम मोपेड गाड़ियों ने किया था। मृत व्यक्तियों से लेकर करोड़पति और दूसरे राज्य में रहने वाले श्रमिकों ने भी काम कर प्रदेश के विकास में जमकर भूमिका निभाई। मनरेगा के भ्रष्टाचार के बाद में अब जिले में THR परिवहन के नाम पर महाराष्ट्र के वाहनों का भुगतान किया गया। CAG के काल्पनिक नंबर के वाहन को भुगतान किए जाने की आपत्ति जताई थी, जिसकी परतें दर परत खुल रही हैं। पोषण आहार परिवहन घोटाले में रीवा जिले को लेकर CAG ने कई आपत्तियां उठाई हैं। इस मामले की शासन के निर्देश पर हुई जाँच में पता चला है कि महाराष्ट्र के वाहनों के नाम पर भी परिवहन का भुगतान किया गया है। यह मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में है और सरकार पर विपक्ष हमलावार है। रीवा में टेक होम राशन के वितरण को लेकर पहले भी सवाल उठे जाते रहे हैं। कई महीनों तक हितग्राहियों तक पहुंचा ही नहीं, सीधे मैदा मिल और राइस मिल में बिकता रहा। इसका भुगतान फर्जी तरीके से होता रहा, खाद्यान्न भी नहीं पहुंचा और भाड़े का भुगतान भी नहीं किया गया। CAG ने अपनी एडिट की गई रिपोर्ट में रीवा जिले का उल्लेख करते हुए कहा है कि यहां पर भी नियमों के अनुसार कार्य नहीं किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों तक टेक होम राशन पहुंचाने का ठेका लेने वाली एजेंसी ने बीते कई वर्षों तक मनमानी रूप से कार्य किया। ऑडिट में आपत्ति उठाई गई थी कि रीवा जिले में कई ऐसे वाहनों के नंबर का प्रयोग किया गया है जो कहीं पर भी उपलब्ध ही नहीं है। इस मामले की जांच अधिकारियों से कराई गई तो प्रतिवेदन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के नंबर की जांच के आधार पर एडिट ने आपत्ति की थी, लेकिन जिन वाहनों में रीवा जिले के THR का परिवहन किया गया है उसमें कई महाराष्ट्र के नंबर वाले वाहन हैं। इसकी रिपोर्ट प्रमुख सचिव को भी भेजी गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर नए सिरे से जांच की जा रही है। रीवा में कोष एवं लेखा के साथ ही महिला बाल विकास के अधिकारियों की टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई बार समाज सेवियों ने यह बात उठाई थी, लेकिन रीवा जिले में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। रीवा के लोगों को यहां रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल की कंपनियों के खातों में भुगतान हो रहा है। तो क्या वह यह हकीकत सामने आ रही है? क्या अधिकारी और नेताओं की शह पर पूरा खेल खेला जा रहा था? अगर खेला जा रहा था तो क्या राज्य सरकार पूरे मामले का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? हालांकि रीवा जिले में विपक्ष ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है, जांच की मांग की है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचारियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने कारनामे कर रहे हैं। आम जनता की गाढ़ी कमाई इस तरह से लूट मची हुई है कि दूसरे राज्यों के वाहनों में मरे व्यक्तियों के काम के नाम पर अपनी तिजोरी भरी जा रही है। क्या वाकई मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा खेला हो रहा है जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है? क्या नेता अपने चहेतों के खातों में जो अधिकारियों से दबाव बनाकर पैसों का भुगतान करवाया है और ना करने पर मारपीट भी की गई है, क्या इन सब मामलों की जड़ें इस तरह के घोटालों से जुड़ी हुई हैं? CAG की एक रिपोर्ट आई है जिसमें खाद्यान्न घोटाले का बड़ा मामला आया। अक्सर पहले आप देखते रहे कि मनरेगा में रहा तो मरे के भूत काम कर रहे थे दूसरे देश में काम, किस तरह के घोटाले? मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? क्या लगता है कुछ न्याय मिल पाएगा इसमें? कौन कौन सम्मिलित हो सकते हैं? ये जो रिपोर्ट आई है, CAG रिपोर्ट का कहना ये है कि पूरे मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ऐसा है जिसमें रीवा भी है, और रीवा ही एक ऐसा है जिसमें सर्वस्व रूप से ऐसा रिकॉर्ड बना है कि यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े ट्रकों से जो खाद्यान्न का लाखों टन का जो ट्रेवल हुआ, स्थानांतरण हुआ यहाँ से वहाँ, उस पर क्या किया लोगों ने, मोपेड गाड़ी, स्कूटी, इसका नंबर देकर जो है पैसा खूब बनाया।
और ये जो है सीएजी रिपोर्ट ये कहती है 110 करोड़ का खाली 8 जो है जिलों में भी है। इसको अगर देखा जाए तो पिछले मनरेगा में जैसा भ्रष्टाचार था जो कि कांग्रेस के जमाने से लेकर चलता रहा, उसके बीजेपी ने उसको जो है 10 गुना बढ़ा दिया, और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में अभी इस वक्त, मैं फिर से कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जब पहले आए तो ADR रिपोर्ट जो होती है, हम सभी जितने राजनीतिक लोग इनके बारे में अपराधी कितना क्या है, संपत्ति कितनी है, तो उसमें 5,000 गुने का बढ़ोतरी उनका खुद का होना, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उनका जो है बनाना, यहाँ के जो है पूर्व मंत्री 15 साल के राजन शुक्ला जी का जो कि सोने के चम्मच लेके पैदा तो हुए लेकिन उन अरबों खरबों रुपये का जो है संपत्ति, अटूट संपत्ति जुटाना, तो ये जो है ये लोगों ने व्यापक करप्शन है यहाँ पर जो है, इनका सिर्फ लूट तंत्र के कारण ये बने हुए हैं, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा नहीं जिसको जनता जो है जगह जगह में शिवराज सिंह चोर है का गुहार लगा रही है। नहीं लगता कि जनता का जो पैसा था सिर्फ एक दिशा बदल दी गई, जनता का पैसा के माध्यम से नाम से आया और सब अधिकारियों नेताओं के जेल में चला गया। क्या आपकी पार्टी कुछ ऐसा खुलासा करेगी, इनके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही है जनता के सामने आए? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल एकदम उचित सवाल है और सही बात है, जनता की आवाज़ है कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो जनता के नाम से जो पैसा आता है जिसके लिए यहाँ पर पोषण आहार, कुपोषण की बात जो कहते हैं, जो खुद को स्वयं को मामा कहते हैं, इनको जो है सवेरे उठ के जो है लोगों को देखना मुँह, इस प्रकार जो कृत्य हुआ है कि पोषण आहार के नाम पर जिस प्रकार की लूट हुई, करोड़ों रुपये अरबों रुपये जो लूट लिए गए, तो सुबह उठ कर देखना जनता को जो है पाप का मुँह देखना होगा। और ये जो कर रहे हैं जिस प्रकार से, तो ये मान के चलिए कि ये जो है पैसे को लूटने का एक तंत्र बना रखा, चाहे किसी विभाग में चले आइए, कहीं पर चले आइए। और ये मनरेगा तो ऐसा था कि कोई आदमी संबंधित नहीं, जितने बच्चे पढ़ते नहीं थे उनके नाम से भोजन पोषण आहार बटा। और ये बता दूं आपको मैं, रीवा के अंदर जो सबसे बड़ा पोषण आहार, तो कहीं पर भी किसी भी एजेंसी में मेरा चैलेंज है कि चल के आप एजेंसी को चेक करिए, हर कोई दूसरा व्यक्ति राजन शुक्ला का करीबी आदमी है, और उनमें से भी कांग्रेस के लोग भी ऐसे हैं जिनके पास में एजेंसी थी, जो कि कांग्रेस के लोग तो हैं लेकिन वो जो है राजन शुक्ला के यहाँ से ही चलते हैं। वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है सब राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ मिलर हैं, चाहे राइस मिल हो, मैदा मिल हो, पोषक आहार कई बार पकड़ा जा चुका है, शासी खाद्यान्न बिकता हुआ मिला, मीडिया ने पकड़ा है, तो नहीं लगता कि स्पष्ट है कि जिस तरह से जांच की बात कही जा रही है, क्या लगता है कि जांच होगी, दोषियों को कार्रवाई हो जाएगी कि सिर्फ लीपापोती की जा रही है? हम तो बता रहे हैं इससे पहले जो है बड़े घोटाले जो हैं, चाहे मनरेगा में हो, चाहे व्यापम जैसा घोटाला जो कि स्वयं शिवराज सिंह चौहान का नाम होना, 95 लोगों की हत्या कर देना, इसके बाद जिस प्रकार की हो रही, तो हम लोग जो हैं किसी आदमी को शर्मिंदा करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं करके आम आदमी पार्टी जो है इस बात को बुलंद कर रही है और कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर इनको जो है शिवराज सिंह चौहान को जो है अपना इस्तीफा फेंक देना चाहिए। और साथ में जो है हम लोगों ने मांग की है कि अगर CBI जांच किसी आरोप लगने पे, जो कि वहाँ पर जो आरोप विपक्षी ने लगाया था मनीष सिसोदिया के घर में, CDED की जांच अगर होती है तो शिवराज सिंह चौहान को जो है उनकी भी जाँच होनी, CBI इसमें होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस बात के लिए हम लोगों ने कल प्रदर्शन भी किया और आगे भी लगातार आंदोलन करेंगे। गरीब और मासूमों के हक में डाका डाला गया, उनका निवाला छीना गया है, इसके बाद भी आप कहते हैं हम लास्ट में बैठे व्यक्ति की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, क्या लगता है कि इनका अंत्योदय यही है क्या? इनका लास्ट में बैठे, पहले तो ये सबसे पहले आगे यही बैठे हुए हैं और अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति का जो है पोषण आहार लूट रहे हैं। इनका निशाना वो अंतिम व्यक्ति ही है जो अंतिम चरण में बैठा हुआ, चाहे उसका राशन हो, विपणन प्रणाली से राशन लूट लिया जाए या फिर पोषण आहार के नाम पर लूट लिया जाए, या फिर अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति जो गौ के नाम पर लूटा जा रहा है। अभी आपने देखा 8-8 लोग ब्लैकलिस्टर निकल गए पूरे क्षेत्र में, गौ मांस हाड़ का ये केंद्र बना हुआ है रीवा, जिस प्रकार के यहाँ पर गौशालाएं चल रही, तो ये अंतिम छोर के लोगों को लूटने का ही काम इनका, अंतिम छोर के व्यक्ति को जो है देखना इनका है कि कैसे इनको जो है हम लूटें। और इसलिए पोषण आहार जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पे जिस प्रकार की लूट रीवा में हुई, और देखिए ये 8 जिले जो हैं, ये 8 जिलों में अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो जिले हैं जहां पर राजेंद्र शुक्ला जैसे, जो कि आपको कह भी रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जैसे खास आदमी शिवराज सिंह चौहान के जहां जहां थे, उन्हीं 8 जिलों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार और उसमें रिकॉर्ड तोड़ने वाला जो जिला है वो आपका जो है रीवा है। और इसलिए हम लोग जो है कल विरोध प्रदर्शन किए, आगे चल के इस पर जो हम लोग ED की मांग कर रहे हैं, इस पे जो है और होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि राजेंद्र शुक्ला
जैसे मंत्रियों के ऊपर अगर ईडी की जांच होती है शिवराज सिंह चौहान, तो निश्चित रूप से जनता को बहुत आराम मिलेगा और मालूम चलेगा कि ये लोग अरबों खरबों रुपए कहां से कहां कहां तक दबा रखे हैं। हम जैसे लोग अपनी नौकरी को अपने उसको ताक में रख के अपनी अपनी जॉब को छोड़कर आज अपनी स्थिति परिस्थिति के लिए संग्राम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला कल इन जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए ना हो। एक घोटाला सामने आया है मध्याह्न भोजन सप्लाई का हो, चाहे जिसका आपने भी उसका विरोध किया, शिकायत किया, क्या लगता है कि किस तरह के घोटाले हो रहे हैं? जांच के नाम पर कहां तक प्रशासन पहुंचेगा कि जनता को सिर्फ दिखाने के लिए है कि जांच करवा रहे हैं, दोषियों की कार्रवाई होगी? देखिए, भाजपा मतलब ही घोटाला की सरकार है। ये मध्याह्न भोजन का घोटाला और टेक होम राशन जो पोषण आहार का घोटाला हुआ है, इसमें आप देखिए कि पोषण आहार जो बनाने वाली कंपनी है उसको बिना आर्डर के ही बना लेना, जितने छात्र हैं ये जहाँ जैसे 5,000 छात्र हैं तो 50,000 छात्रों का दिखा देना, परिवहन में ऑटो लूना टैक्सी और ट्रैक्टर का नंबर लगा के ट्रकों का भुगतान कराना, ठेकेदार भुगतान जो हैं वो भाजपा के, जो बांटने वाले हैं वो भाजपा के, इस प्रकार से एक भाजपा की शिवराज सरकार का महिमा मंडित किया हुआ ये पूरा घोटाले का जखीरा है। एक एक करके परतें खुलेंगी। मैं तो आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये पोषण हार घोटाला हो, चाहे मनरेगा को आप ले लीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि ये गड्ढा खोदने का हम पूरे जीवन इसको कहेंगे। आप में हिम्मत होती, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, तो आप ऐसी योजना लाइए जो गरीबों को न्याय और गरीबों को अन्न दे सके। हमारी भाजपा की सरकार के खिलाफ हमारी कांग्रेस की सरकार ने जितने बार भी काम जो जनता के लिए किए हैं वो कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, चाहे वो खाद्य का जो कानून लाए हो, चाहे सूचना के अधिकार का कानून लाए हो, और चाहे पानी का कानून लाए हो, सारे देखिए जनता के काम जो है वो कांग्रेस करेगी और जितने घोटाले हैं वो भाजपा की सरकार करेगी। गरीबों के नाम पर अंत्योदय की बात करती है बीजेपी, अंत्योदय के साथ ये हाल है, ये अंत्योदय बच्चों के साथ निवाला छीना जा रहा है। अब अंत्योदय की तो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि परिवहन में आप देखिए ऑटो का नंबर होगा ट्रक पर, लूना पर होगा ट्रक का नंबर, ट्रैक्टर का नंबर ट्रक के ट्रक का भुगतान होगा। तो देखिए, एक आपने सुना होगा अरसे पहले बिहार में चारा घोटाला, मध्य प्रदेश में लगभग 200 करोड़ का ये महाचारा घोटाला है जो शिवराज सिंह के नेतृत्व में किया गया है। विश्व में व्यापम घोटाला हुआ, जो विश्व में चर्चित हुआ, 1900 लोग मुलजिम बने, लेकिन सजा क्या दिवा और क्या हुआ आपके सामने है। इसी तरह ये महाचारा घोटाला भी भाजपा की सरकार में दफन हो जाएगा, लेकिन एक साल बाद विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और परत दर परत खुलेगी, मुलजिम जेल के अंदर हो। जिस तरह से कई बार आप देखे होंगे कि अधिकारियों से बात करने का नेताओं के ऑडियो आए, भुगतान कर दो, फर्जी कर दो, ये सब नहीं लगता कि एक कड़ी है? आप सप्लायर कौन है, मीलर कौन है, देने वाला कौन है, सब राजनीति से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, दबाव बनाकर एक सर्किल टाइप का काम कर रहा है। शासन का पैसा, जनता का पैसा शासन के खाते में जाएगा, शासन का खाता वही विकास के नाम पर दे देगा, वापस फिर उन्हीं के खाते में चला जाता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश और विश्व कोरोना महामारी की चपेट में था, लोगों को निवाले के लाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रतिदिन 10 करोड़ का चंदा कहां से आ रहा था? ये भाजपा जो है ना, ये चंदा का खेल खेलती है और इसका सरगना संया भय कुतवाल तो डर का है का सरगना शिवराज सिंह, फिर जिले के सांसद, फिर जिले के विधायक, और इन्हीं के मंडल और कमंडलों का ये सारा खेल है, और इन्हीं के इर्द गिर्द सारे ठेके, सारे परिवहन के ठेकेदार, सारे जितना भी आवंटन का काम इन्हीं के लोग लेंगे, और गरीब तक ये अंत्योदय का सिर्फ नाम लेते हैं, और नाम अंत्योदय का ये कहते हैं कि अंतिम छोर तक आदमी का नहीं, अंतिम छोर तक पैसा खाऊंगा, बार बार खाऊंगा, लूटता जाऊंगा और डकार नहीं मारूंगा। विपक्ष क्या करेगा अब इस मामले को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से विरोध करती रही है, और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि व्यापम घोटाले में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं लगती तो ये उजागर ही नहीं होता। कारम डैम का घोटाला जो बांध का, उसमें भी हमारी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, और हम इसमें भी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर कमिश्नर साहब और जिले कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग करेंगे। अपने आसपास की सभी ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ पर।